हाय एवरीवन, वेलकम टू PWIT जेम CSIR नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है फिजिक्स वाला के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 7 सालों से ज़्यादा का भी टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जेम एंड CUET PG MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो आप लोगों को IIT से MSc करने के बेनिफिट्स के बारे में बताता है। ये वो बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को किसी और यूनिवर्सिटी में मिल सकती हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। लेकिन IIT में ये सभी पॉइंट्स आप लोगों के लिए ऑन द टेबल अवेलेबल हैं। आप लोगों को जाना है और वहाँ पर इन सभी फैसिलिटीज़ का बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो फैसिलिटीज़ हैं। मैंने इस वीडियो में इन सभी फैसिलिटीज़ को आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 की ओर। नंबर 1 आता है बेस्ट फैसिलिटीज़। IIT में आप लोगों को इतनी बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। IIT आपको इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इतना बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करता है जो आप लोगों को कहीं और नहीं मिल सकता। IIT की जो लाइब्रेरीज है ना, वो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज से भरी हुई है। IIT के जो हॉस्टल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स को पिक करते हैं, वहाँ मुझे एक XYZ इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, तो आप सभी लोग सबसे पहले ये नेसेसरी जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं इनको आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर आता है कि ये एजुकेशन वाइज बहुत बेहतरीन है। ये आप लोगों को अच्छी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। अदर रिसोर्सेज भी इसके बहुत अच्छे हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होने की वजह से यहाँ पर इनकी जो लैब्स है ना, लेबोरेटरीज हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं जो आप लोगों को IIT जो है अपने यहाँ पर प्रोवाइड करता है। आप लोग IIT से MSc करने का पहला बेनिफिट उठा सकते हैं कि आप लोगों को बेस्ट फैसिलिटीज़ जो है, देश की बेस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर IIT के अंदर आप लोगों को वेल डिज़ाइन कोर्सेज आप लोगों को मिलते हैं। ये जो IIT के कोर्सेज होते हैं ना, आप लोगों को एक रिसर्चर बनने की तरफ देते हैं आप लोगों को। मतलब ये जो इनके जो कोर्स होते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप लोगों को एक बेसिक फाउंडेशन यहाँ पर क्लियर हो जाए कि आप लोगों को रिसर्च कैसे करनी है। मतलब इनके जो कोर्सेज होते हैं, ये रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, क्लियर है ना। आप लोगों को फर्स्ट ईयर में इस तरीके के सब्जेक्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप लोगों को एक बेसिक फाउंडेशन यहाँ पर क्लियर हो जाए कि आप लोगों को रिसर्च कैसे करनी है। सेकंड ईयर में आप लोगों को स्पेशलाइजेशन कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं, जहाँ पर आप लोग डिपार्टमेंट के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ साथ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज को भी आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स द रिसर्चेस। लेकिन अगर आप लोग रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोगों को डिपार्टमेंट के साथ साथ आप लोगों को IIT जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन आप लोगों को ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आप लोगों को डिपार्टमेंट के कोर्सेज के साथ ही लेना पड़ता है। तो इसका मतलब IIT हमारे को एक ऐसा कोर्स प्रोवाइड करती है जो आपके फ्यूचर के साथ बहुत ही आप लोगों को एक ब्राइट सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए आगे की ओर मूव ऑन करती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर। IIT से MSc करने के बेनिफिट्स में थर्ड पॉइंट आता है हमारा इंटर्नशिप। आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बीच में कुछ 2 महीने का गैप होता है, 2 से 3 महीने का गैप होता है। यहाँ पर IIT आपको ऑफर करती है कि आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं। IIT जो है देश की यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनका कॉन्टैक्ट होता है कि आप लोगों को ये इंटर्नशिप के लिए ऑफर्स कर सकती हैं। IITs का कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कंपनीज़ के साथ भी कॉन्टैक्ट होता है कि ये आप लोगों को इंटर्नशिप करने के लिए इनविटेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती हैं। लेकिन इंटर्नशिप आप लोगों को अगर नहीं प्रोवाइड होती हैं या आप लोग उस पर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, किसी भी कारणवश अगर आप लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं इंटर्नशिप, तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग उनके अंडर इंटर्नशिप यहाँ पर कर सकते हैं। 2 से 3 महीने की इंटर्नशिप होती है, क्योंकि आप एक IITian हैं, आप लोगों को एक IITian का टैग मिला हुआ, आप एक अच्छी IIT में पढ़ रहे हैं, तो
तो वो प्रोफेसर्स भी जो हैं आप लोगों को अपने अंडर इंटर्नशिप करने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये इंटर्नशिप आप लोगों को बेनिफिट इस तरीके से देती है, अगर आप लोगों को रिसर्च में जाना है तो ये आप लोगों को ऐसा प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर देते हैं ताकि आप लोगों को एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि रिसर्च वर्क में काम कैसे होता है। अगर आप लोगों का नहीं भी बन है रिसर्च की तरफ जाने का, रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन बनने का, लेकिन आप लोग एक बार इस इंटर्नशिप को ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों के जो है ना एलुमनाई नेटवर्क बढ़ जाते हैं ताकि आप लोगों को आगे चल के फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ये ब्राइट रिजल्ट आप लोगों को देता है ये इंटर्नशिप। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे। जैसा मैंने पॉइंट नंबर 4 में बोला, आप लोगों को इंटर्नशिप में एक वर्क प्रोजेक्ट मिलता है या प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, तो पॉइंट नंबर 5 यही है। प्रोजेक्ट नंबर 5 भी आप लोगों को इस तरीके का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाते हैं ये लोग कि आप लोगों को कि रिसर्च कैसे करनी है, रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन कैसे बनना है। अगर आप लोगों का मन है या नहीं है रिसर्चर बनने का या रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन बनने का, आप लोग इस प्रोजेक्ट वर्क को ज़रूर ज्वाइन करना। कुछ IITs में प्रोजेक्ट वर्क जो है कंपलसरी होता है और कुछ IITs में प्रोजेक्ट वर्क जो है कंपलसरी नहीं होता। फिर भी मेरा सजेशन आप लोगों के साथ है कि इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क ये आप लोगों को ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए ताकि आप लोगों को MSc के दौरान ही रिसर्चर का एक आप लोगों को यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नशिप का एक सर्टिफिकेट मिल जाए जो आप लोगों को आगे चल के आफ्टर जब आप लोग CSIR नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, जब आप लोग ओरिजिनली रिसर्चर के तौर पर काम करते हैं तो आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर देगा। तो मूव ऑन करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 6। अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट नंबर 6 की ओर। अगर आप लोग IIT से MSc कर रहे हैं तो आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लोग अपनी PhD जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में करने के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप लोगों को अपनी एक तो इंटर्नशिप बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है, अपना प्रोजेक्ट वर्क भी बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। अगर आप लोगों का इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क बहुत अच्छा है तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों को इन्वाइट करते हैं कि हमारे यहाँ पर आकर विदाउट एनी टेस्ट आप लोग हमारे पास PhD कर सकते हैं। तो ये एक आप लोगों को बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है IIT से MSc करने का कि आप लोगों को यहाँ पर जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में PhD करने का मौका मिलता है। बस आप लोगों को अपने प्रोफेसर से जो है रिकमेंडेशन लेनी होती है और वो बहुत इजीली मिल जाती है। तो यही बात है आप लोगों के साथ, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि आप लोगों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में PhD करने का मौका मिलता है वाया IIT, अगर आप लोग IIT से MSc करते हैं तो। IIT से MSc करने के लिए आप लोगों को IIT जैम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है जिसके लिए हम आप सभी के साथ यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अवेलेबल हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने पॉइंट नंबर 7 की ओर। लेकिन मैं एक पॉइंट और आप लोगों के साथ फिर से यहाँ पर बोलना चाहूँगा, आप लोगों को अपना रिसर्च वर्क और रिसर्च वर्क के लिए आप लोगों को अपना इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क दोनों MSc में बहुत बेहतरीन तरीके से करना होता है। अगर आप लोगों ने इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क बहुत बेहतरीन तरीके से करा है तो IIT से भी आप लोगों को PhD करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन साथ साथ आप लोगों को फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी PhD करने की मौका आप लोगों को ज़रूर मिलता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने पॉइंट नंबर 7 की ओर। IIT आपको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं। अगर आप लोगों को मन है डांस, ड्रामा और फैशन शो के अंदर पार्टिसिपेट करने का, तो आप लोग IIT में इन सभी चीज़ों का भी आप लोग यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप लोग इनके अंदर यहाँ पर अपने जितने भी शौक हैं उनको पूरे कर सकते हैं, क्योंकि अकेडमिक्स ही सब कुछ नहीं होता भाई, आप लोगों को इन सब में भी ध्यान देना है। लेकिन भाई एक और बात, MSc का जो कोर्स है वो बहुत ही छोटा रहता है, 2 साल का रहता है, इसलिए हमारे पास वर्कलोड इतना रहता है कि हम लोग इन सभी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप लोग कर पाते हैं, अगर आप लोगों का मन है करने का, अगर आप लोग स्टडी के साथ साथ इन सभी चीज़ों को भी बेनिफिट इनका उठा सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। IIT आपको इन सभी चीज़ों के लिए भी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं आप लोगों के पास, दैट इज़ द स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी IIT के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं। IIT के पास वो सभी गेम्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो आप लोग खेलना चाहते हैं, आइदर इट इज़ बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और IIT के अंदर तो इंटर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन भी होता है जहाँ पर आप लोगों के साथ IIT की खुद की टीम्स भी होती हैं, आप लोग इन टीम्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रख सकते हैं। तो IIT आप लोगों को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 9 की ओर, IIT का एटमोसफेयर।
आईआईटी का एटमॉस्फेयर, आप लोग तो ये मानते हैं ना कि आईआईटी में सबसे ब्रिलियंट माइंड यहाँ पर आते हैं, पूरे देश के ब्रिलियंट माइंड्स जो हैं यहाँ पर वाया एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। तो आईआईटी आप लोगों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप लोग अपने एलुमनाई के साथ, आप लोग अपने क्लासमेट्स के साथ इस तरीके की भी डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को कोई स्टार्टअप करना है एमएससी के बाद तो भी आप लोग कर सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई बिजनेस करना है तो भी आप लोग इनके आइडियाज़ को यहाँ पर सजेशन, अपना सजेशन भी दे सकते हैं, दूसरे के आइडियाज भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों को रिसर्च वर्क भी करना है तो आप लोग इनके साथ भी यहाँ पर जो है अपने सजेशन और आइडियाज को गिव और टेक यहाँ पर कर सकते हैं। तो आईआईटी आप लोगों को ऐसा एटमॉस्फेयर यहाँ पर देता है, ये तो बात माननी पड़ेगी यार कि आईआईटी के अंदर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होते हैं तो ब्रिलियंट प्रोफेसर्स भी होते हैं। ये दोनों ही ऐसे माइंडसेट आप लोगों का सेट कर देंगे, आप लोग भले ही आप लोगों ने अपनी बीएससी या अपना ग्रेजुएशन कहीं से भी किया हो यार, ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लोगों ने मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 5 साल अगर आप लोगों ने आईआईटी के अंदर लगा लिए, अदर कोर्सेज के साथ भी 2 साल की एमएससी और अदर कोर्सेज के साथ भी अगर आप लोगों ने अपने जीवन के 5 से 6 साल लगा लिए आईआईटी में, तो मैं ये आप लोगों के साथ कन्फर्म करता हूँ कि आप लोगों का माइंड सेट जो है वो चेंज हो जाएगा, माइंडसेट चेंज हो जाएगा और आप लोगों को एक अच्छी राह पे आप लोग चल पड़ेंगे। चाहे आप लोगों को बिजनेस करना हो वो भी आप लोगों को आइडियाज़ मिल सकते हैं, चाहे आप लोगों को स्टार्टअप लेना हो वो भी आप लोग यहाँ से अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं और उनके आइडियाज़ को अपन भी टेक कर सकते हैं, है ना। आप लोग उनके आइडियाज़ का भी जो है कह सकते हैं कि सजेशन को आप लोग ले सकते हैं, सजेशन दे भी सकते हैं, सजेशन ले भी सकते हैं। तो एक ऐसा ब्रिलियंट माइंड्स का नेटवर्क आप लोगों के साथ होता है कि आपका माइंड भी ब्रिलियंट हो जाता है। वो कहावत सुनिए ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है, ये वही चीज़ है। तो मैंने आप लोगों के साथ कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो हैं आईआईटी के लिए, आईआईटी से एमएससी करने के बेनिफिट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं, जो आप लोगों को आईआईटी से एमएससी करने के लिए मोटिवेट ज़रूर करेगा। और अगर आप लोग आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्वालिफाई करना होगा आईआईटी जैम एग्ज़ाम। आईआईटी जैम एग्ज़ाम आप लोगों को एमएससी करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आईआईटी से। देश की जितनी भी आईआईटीज हैं सारी आप लोगों के आईआईटी जैम के स्कोर को एक्सेप्ट करके एमएससी मैथमेटिक्स एंड एमएससी मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग और एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के जैसे सब्जेक्ट्स को यहां पर आप लोगों के साथ प्रोवाइड करवाती हैं। तो जल्दी से अपना यहां पर जो है एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे आईआईटी में जाना है। और केशव सर ने जो इतने सारे ये ब्रिलियंट पॉइंट्स बताए, इतने सारे जो बेनिफिट्स बताए हैं, ये सारे बेनिफिट्स मुझे यहां पर ग्रैब करने हैं तो मैं आईआईटी जरूर जाऊंगा। और अगर आप लोग आईआईटी जाने का सपना देखते हैं और इस सपने को साकार करने के लिए पीडब्ल्यू आप सभी के साथ यहां पर अवेलेबल है साकार बैच के साथ, अधिक जानकारी के लिए चैनल पर जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।